सबसे पहले बात करते हैं आज क्वांटम थियोरी ऑफ स्केटरिंग की। तो क्वांटम थियोरी ऑफ स्केटरिंग में क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल ऑफ मास एम यहाँ पर मेरे पास है और वो इंसिडेंट पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ये इंसिडेंट पार्टिकल है। यहाँ पर मेरे पास कोई एक पार्टिकल सपोज ये है, ये जो पार्टिकल है इसका कोई भी एक पोटेंशियल, अपना खुद का एक पोटेंशियल फील्ड होगा, मतलब पोटेंशियल अपना होगा। तो जब मैं ये पार्टिकल इंसिडेंट इस पार्टिकल पे पर कराऊंगा तो ये इसके फील्ड से नहीं होके ऐसे गुजर जाएगा, इंसिडेंट पार्टिकल। तो अब मैं सेंटर ऑफ से लाइन खींच लेता हूँ, और इस एंगल वाली लाइन को मैं थोड़ा यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये जो एंगल है ये हो गया स्केटरिंग एंगल, स्केटरिंग एंगल थीटा। ये इंसिडेंट पार्टिकल है और आफ्टर स्केटरिंग ये पार्टिकल इस तरह चला गया, क्योंकि इसका एक स्मॉल पोटेंशियल रेंज होगा, उसके बाहर से ही जाएगा, अंदर से नहीं जाएगा। तो दिस इज द इंसिडेंट पार्टिकल, अब अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियोरी ऑफ स्केटरिंग जो इंसिडेंट पार्टिकल्स होते हैं, या तो इंसिडेंट प्लेन वेव जो होते हैं, इंसिडेंट जो वेव होते हैं वो हमेशा प्लेन वेव में होते हैं इस टाइप के। एंड आफ्टर स्केटरिंग वो स्पेरिकल वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लेन वेव का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह सिंपली ई टू द पावर आईटा के जेड से रिप्रेजेंटेशन होता है। साथ में आप ए भी लगा सकते हैं, ए का मतलब कुछ नहीं, कांस्टेंट, या तो एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। एंड स्पेरिकल वेव जो होते हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई टू द पावर आईटा के आर स्पेरिकल वेव को। तो प्लेन वेव इज इंसिडेंट अलोंग द जेड डिरेक्शन ऑलवेज, प्लेन वेव इज ऑलवेज इंसिडेंट अलोंग जेड डिरेक्शन। सो इन क्वांटम थ्योरी, इफ ई टू द पावर आई के जेड इज द प्लेन इंसिडेंट वेव, विच एनकाउंटर्स पोटेंशियल वी आर। मान लीजिए जो पार्टिकल नंबर टू था जो यहाँ पर था, जिसका पोटेंशियल मैंने कहा था कि पोटेंशियल से क्रॉस होकर नहीं जाएगी, उसका पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं वी आर। प्रोड्यूसेस आउटगोइंग स्फेरिकल वेव्स, outgoing spherical waves, then psi r theta should equal to a e to the power I k z plus f theta e to the power I k r by r तो यहाँ पर जो f थीटा फाई है, f थीटा है मान लीजिए, जो f थीटा है वो कुछ नहीं है, वही स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड जो आगे जाके हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन, इसका वैल्यूएशन निकालेंगे कुछ।
तो ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, ई टू द पावर आई के जेड ये इंसिडेंट प्लेन वेव है, एंड ये ई टू द पावर आई के आर स्पेरिकल वेव है। यहाँ पर ई टू द पावर आई के आर को हमने डिवाइड किया हुआ है आर से, क्यों? द रीज़न इज दैट बिकॉज टू कंजर्व द प्रोबेबिलिटी, टू कंजर्व प्रोबेबिलिटी, डिवाइडेड बाई आर टू कंजर्व प्रोबेबिलिटी। ओके, इन जनरल अगर हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन से निकालें तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यूजिंग बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमको पता है एफ थीटा होता है, तो उसका वैल्यू बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन में कुछ इस प्रकार होता है, एफ थीटा इक्वल टू -2m/h का स्क्वायर के 0 to ∞ आर वी आर साइन के आर डी आर। तो ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो ये है, एफ थीटा इक्वल टू -2m/h² के 0 to ∞ आर बी आर साइन के आर डी आर। तो यहाँ पर जो एम है, एम इज नथिंग बट मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल एच का आपको पता है इट इज h/2π, के इज वेव नंबर। ओके, एंड सम हाउ के इज वेव नंबर बट रिलेटेड टू एनर्जी, टू एनर्जी। तो एनर्जी से कैसे रिलेटेड होता है कि मैं आपको बता रहा हूं, वी आर क्या है, पोटेंशियल। ओके, तो एंड व्हाट इज थीटा, वी आर इज पोटेंशियल एंड थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, ऑल्सो एफ थीटा इज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ओके, एंड आर इज द पोजिशन वेक्टर, आर इज पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ मास एम। तो के को मैंने कहा कि इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, हाउ इट इज रिलेटेड टू एनर्जी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स मोमेंटम पी इज गिवन बाय एच कट के। ओके, एंड वी नो दैट इन ई स्क्वायर इक्वल टू और ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ई इज गिवन बाई पी स्क्वायर बाई 2m। देन फ्रॉम हियर इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी इट विल बी अंडर रूट 2me। नाउ अगर हम इन दोनों मोमेंटम को कंपेयर करें तो एच कट के इज इक्वल टू अंडर रूट 2me, तो यहाँ से जो हमें मिलता है के का वैल्यू वो ज़्यादा अंडर रूट 2me/h। तो के इज समहाउ रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकॉज ऑल अदर टर्म्स आर हियर कॉन्स्टेंट। तो ये बेसिक था स्कैटरिंग थ्योरी के बारे में, क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी के बारे में। तो ये जो डेरिवेशन है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन से, मैं अपने अगले वीडियो में ये बनाऊंगा। एंड बिफोर
डीलिंग और डराइविंग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में पहले इससे रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो द ग्रीन फंक्शन उसको ड्राइव करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।